बच्चे सिर्फ बड़े करने से पल नहीं जाते अनिता, उन्हें सही गलत की समझ, सही परवरिश और परिवार की अहमियत सिखानी होती है, तब वो जाकर आगे सही रास्ते पर चलते हैं और परिवार नो एकजुट रखते हैं। लेकिन तुझे ये बात समझ में नहीं आएगी, मैंने बड़ी खुशी हो रही है। आज आप सबने मैंने जिताकर ऐसा साबित कर दिया है कि औरत कुछ भी कर सकती है, आसमानों को छू सकती है और अपने परिवार नू अपने नाल लेकर आसमानों की बुलंदियों तक जा सकती है। वाहिगुरु जी दा लख लख शुक्र है, मेरा सारा परिवार आज मेरे नाल है। वैसे इस जीत की खुशी में आज शाम को मैंने एक छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी रखी हुई है, आप सब जरूर आइएगा। ये तूने क्या किया यूवी? तूने अपना दिमाग चलाना छोड़ दिया या दिमाग चलना ही बंद हो गया? What is wrong with you? तूने आज इतना बड़ा ब्लंडर किया है, तूने अपनी माँ को हरा दिया, वो भी जानबूझकर। Why? What is wrong with you? क्या हो गया है तुझे? तुझे पता है ना ये अवार्ड मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था? इस अवार्ड को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत मुशक्कत की है, दिन रात एक करके काम करती हूँ मैं ताकि इस इंडस्ट्री में अपना एक नाम बना सकूं, अपनी एक पोजीशन बना सकूं, तुझे पाल सकूं, हमारा एक नाम हो, एक शौहरत हो, कुछ हो। क्यों किया तूने आखिर मेरे साथ ऐसा? आज ये मेरा हक मुझसे छीन लिया, क्यों? लीला आंटी के वोट्स कम हो जाए इसीलिए आपने चेरी को भेज के उनका लैपटॉप खराब करवाया। और हार्ड बोलिए मॉम, क्यों करा आपने ऐसा? मैंने आपको बोला था ना प्ले फेयर, पर आपने ऐसा नहीं किया, क्यों? व्हाई मॉम, आंसर मी। बस इसी वजह से मैंने लीला आंटी को वोट किया और उन्हें जितवा दिया। फेयर? तू कब से फेयर अनफेयर सही गलत ये सारे लेक्चर्स देने लगा है लीला की तरह? यूवी प्लीज प्लीज इतना मत बदल कि तेरे खुद की माँ तुझे पहचान ना पाए। ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग ये स्ट्रैटेजी ये तो तेरी स्पेशलिटी हुआ करती थी ना? और तुझे मेरी जीत मैटर करती है या मेरे जीतने का तरीका मैटर करता है? तुझे क्या हो गया है? तू क्यों मेरे साथ नहीं? What has happened to you? इतना कैसे बदल सकता है तू? और क्यों? कि मेरा यूवी, मेरा वो यूवी जो आंख बंद करके बिना सोचे समझे हर चीज में मेरा साथ देता था, कुछ भी कर जाता था मेरे लिए, कहां गया वो यूवी? कहां है मेरा वो यूवी? I want that यूवी back. Where are you, यूवी? इतनी हिम्मत मेरी ट्विंकल के साथ? बहुत मौके दे दिए मैंने तुझे, अब और नहीं, और नहीं। कुछ उतर आज, कुछ आज मैं तुझे कुछ बस कर दे, बस कर, कुछ उसकी जान लेगा क्या? मैं तुझे हार लूंगा जान इसकी। आज का ब्रेकिंग न्यूज़ ये देखिए, सरना फैमिली का फैमिली ड्रामा लाइव न्यूज पर। ये आप क्या कर रहे हैं? इन्हें किसने बुलाया? देखिए हाई सोसाइटी में रहने वाले रिच और फेमस लोगों का सच, जहां एक भाई की बीवी दूसरे भाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है। आइए पता लगाते हैं कि आखिर सच क्या है, ट्विंकल किससे प्यार करती है। ट्विंकल जी, मिस्टर कुंज, क्या ये सही बात है
कि आपकी वाइफ और आपके छोटे भाई के बीच में सीक्रेट अफेयर चल रहा है। कल रात को वो पार्टी में नशे में इतने धुत हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो होटल के रूप में आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए हैं। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप अपनी पत्नी पर ट्रस्ट कर सकते हैं? डोंट यू डेयर। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो बीवी है मेरी। मेरी बीवी की इज्जत मेरी इज्जत है। वो आज भी उतनी पवित्र है जितनी की हमेशा से थी। तो कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, मुझे किसी से उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, समझे आप? मुझसे बेहतर मेरी बीवी को और कोई नहीं जानता। और वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कभी भी मेरी इज्जत पे कोई भी आंच। आप लोग जा सकते हैं। तो गाड़ी में बैठी, मैं देखता हूँ। उधर से आएगी कौन? गाड़ी से बाहर निकली। ट्विंकल सरना, हाय हाय। ट्विंकल सरना, हाय हाय। सरना फैमिली, हाय हाय। ट्विंकल सरना, हाय हाय। सरना फैमिली, हाय हाय। ट्विंकल सरना, हाय हाय। लोग चुप हो जाइए प्लीज और जाइए यहाँ से। मैं नहीं चाहता मेरे घर के बाहर कोई तमाशा हो। प्लीज निकलिए, प्लीज लीव। उधर तू मत। ट्विंकल सरना, हाय हाय। मैंने कहा प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। लीजिए भाई, आ गई मैडम जी, कर लो वेलकम इनका। हिम्मत तो देखो इनकी, मुंह छिपाने के बजाय सैर सपाटे कर रही हैं। ओ मैडम, आपकी ये हाई सोसाइटी के कांड हमारे मोहल्ले में नहीं चलेंगे। ये सब कांड, अपने जो घटिया हरकतें हैं ना, ये सब कहीं और जाके करिए। आप लोग इसके कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हैं। इतने वक्त से अनाप शनाप बकवास बातें किए जा रहे हैं सब लोग। ट्विंकल ने कुछ बोला नहीं ना? ये उसका कैरेक्टर। दो मिनट नहीं लगेंगे उसे आप सबका मुंह बंद करने में, लेकिन वो चुप इसलिए क्योंकि आपका औरत होने का लिहाज कर रही है और आपकी उम्र का लिहाज कर रही है, समझ आया आपको? ऐसी है मेरी ट्विंकल। किस बात का लिहाज? मुंह खोलकर कुछ बोलने की औकात बची होगी तब मुंह खोलेगी ना ये। अपनी सारी इज्जत तो गिरा चुकी है, अब क्या बोलेगी ये? बोलते वो है जिनकी गलती होती। ट्विंकल ने ऐसा कुछ किया नहीं कि उसे एक्सप्लेनेशन देनी पड़े, और वो भी आप सबको। हाँ, है कौन आप? क्यों दे एक्सप्लेनेशन वो आपको? ये उसकी फैमिली, मैं उसका पति हूँ, खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे उस पर। उसे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। मतलब बहुत आसान है ना आप लोगों के लिए, हाँ? एक लड़की पे इल्जाम लगा दो बस। घर लेट आई है, बाल खुले हैं, कपड़े छोटे पहने होंगे शायद, लड़के को बढ़ावा भी लड़की नहीं दिया होगा, ऐसी तो सोच है आप लोगों की। जमाना बदल चुका है, पता नहीं आप लोग कब बदलेंगे, कब समझ में आएगा आप लोगों को। बस एक लड़की क्योंकि वो कमजोर है, आपको क्या लगता है आप उस पे इल्जाम लगा पाएंगी? कब कब सुधरेंगे आप लोग? अपनी बेटी को इसकी जगह रख के देखिए एक बार, क्या आप लोग ऐसी बिहेव करेंगे, ऐसी बात करेंगे अपनी बेटी से? या आपको कैसा लगेगा अगर कोई और ऐसी बात करे आपकी बेटी से? अगर ये हमारी बेटी होती ना तो लाठी मार मार के सही कर देते इसे। पत्थर मारकर जान लो इसकी। सही कहा तुमने, ऐसी लड़की की वजह से और औरतें बिगड़ जाती हैं। मारो इसे। सही कह रहे हो, मारो मारो इसे।